त्योहारों के सीजन में यातायात पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खासकर दीपावली पर्व को लेकर जगह जगह यातायात पुलिस मोर्चा संभालते दिखाई पड़ती है। इस बार यातायात पुलिस के द्वारा यातायात व्यवस्थाओं को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई, इस पर प्रातः दर्पण न्यूज के संवाददाता राशिद हुसैन की एडिशनल DCP ट्रैफिक अरुण चंद्र से खास चर्चा हुई। दीपावली पर्व भारत का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व पर ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि सड़कों पर ज़्यादातर देखा जाता है कि बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए या त्यौहार को मनाने के लिए निकलते हैं। आगरा पुलिस यानी ट्रैफिक पुलिस की द्वारा किस तरह की जिम्मेदारियों को अदा किया जाएगा और किस तरह की जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, इस पर बात करने के लिए अरुण चंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, एडिशनल ट्रैफिक DSP। उनसे बात कर लेते हैं। सर, दीपावली पर्व काफ़ी बड़ा पर्व है, ऐसे माहौल के अंदर किस तरीके की जिम्मेदारियाँ यातायात पुलिस को दी गई हैं? आपने जैसा बताया कि पूरे भारत का सबसे बड़ा पर्व है दीपावली, जो पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरे उत्तर से दक्षिण तक मनाया जाता है, ऐसा त्यौहार है। तो आगरा में भी इसका बहुत विशेष महत्व है और इसके लिए हम लोगों ने विशेष तैयारी की है। कुछ बाज़ारों में, जैसे कि हमारा शाहगंज बाज़ार है, बहुत ही कंजेस्टेड बाज़ार है, सकरा बाज़ार है, तो वहाँ पे सुचारू रूप से व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित हो सकें, इसके लिए 7 तारीख से, 7 नवंबर से 14 नवंबर तक डाइवर्जन रहेगा। शाहगंज बाज़ार को आने वाले जो सभी मार्ग हैं, चाहे वो तहसील चौराहा है, चाहे डबल फाटक है, चाहे COD तिराहा है, चाहे पचकुइया है, इन सभी मार्गों से 4 पहिया वाहन और 3 पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, जिससे शाहगंज बाज़ार में सुचारू रूप से कार्य हो सके। इसके अलावा शहर की सबसे महत्वपूर्ण रोड MG रोड फर्स्ट स्पीड कलर लैब तिराहे से लेके और दीवानी चौराहे तक बड़े बड़े शोरूम हैं, तो यहाँ के लिए अलग से टीमें, 3 टीमें लगाई जा रही हैं और क्रेन लगाया जा रहा है, ताकि लोग सुचारू रूप से ख़रीदारी भी कर सकें और कहीं भी यातायात की समस्या ना हो। इसी प्रकार MG रोड सेकेंड बोदला चौराहा से लेकर कारगिल पेट्रोल पंप तिराहे तक सुचारू रूप से व्यवस्थाएं बनी रहें, इसके लिए भी अलग से 2 टीमें लगाई जा रही हैं। NH पे जो बाज़ार पड़ते हैं, वहाँ भी सुचारू रूप से व्यवस्था की जाएगी, निरंतर वहाँ पे पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके अलावा जो यमुना किनारा है, उस पे भी विशेष व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे पेट्रोलिंग की। सर, एक चीज़ देखने को मिलती है, जैसे दीपावली पर्व को लेकर जब ख़रीदारी करने के लिए लोग निकलते हैं तो अनावश्यक पार्किंग, मनचाहे तरीके से वाहनों को पार्क कर दिया जाता है। एमजी रोड की बात करें या अन्य जगहों की, बाज़ारों की बात करें, सर इसके लिए किस तरह की व्यवस्था रहे? आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है, और हमने जो टीमें लगाई हैं वो स्थिर नहीं हैं, मतलब किसी पॉइंट पर उनको फिक्स नहीं किया गया है, वो गतिशील टीमें हैं और उनको इसी यही टास्क दिया गया है कि किसी भी दशा में रोड बाधित ना हो पाए। इसके अलावा संजय प्लेस में भी मेन रोड जो है उस पर हम लोग एक टीम लगा रहे हैं, ताकि वहाँ भी व्यवस्था बनी रहे। तो इस बार हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि दीपावली और दीपावली के जो पहले के पर्व हैं, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, उसके बाद में जमघंट और द्वितीया, इन सभी त्यौहारों पर किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था यातायात संबंधी ना होने पाए। ठीक, देखा आपने आगरा पुलिस दीपावली पर्व और दीपावली से पहले जो भी पर्व आते हैं उनको लेकर बेहद सतर्कता बरतने के लिए तैयार है। आगरा में किसी तरह की ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े, इसके पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। कैमरामैन अखिलेश भटनागर के साथ राशिद हुसैन, प्रातः दर्पण न्यूज़, आगरा।